नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। 3 मिनट में जान लीजिए आपकी राशियां आज क्या कहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज का दिन समृद्धि के योग लेके आया है आपके लिए। आपकी ऊर्जा और उत्साह पॉजिटिव रिजल्ट आपको उत्पन्न कर सकते हैं, आपको दिला सकते हैं। परंतु तनाव से दूर रहने के लिए आपको विशेष तौर पर अपनी एंजाइटी को दूर करना होगा। समय का लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। शिव के विशेष तौर पर मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। ग्रह दिखाते हैं, आज कोई वादा मत कीजिएगा जिसे आप पूरा ना कर पाए। बहुत सोच समझ के काम करने का प्रयास करें। मतभेद के चलते विशेष तौर पे संबंधों में दरार पड़ने के योग दिखाई देते हैं। महालक्ष्मी का पूजन करें, आपके लिए शुभ होगा। मांबे करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है व्यक्तित्व में विशेष तौर पर लाभ देने के योग बन सकते हैं, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी का लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। मांबे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव आपको कुछ परेशान कर सकता है, तनाव दे सकता है। आज आपका ज्ञान लोगों को प्रभावित कर सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने बजट का ख्याल रखें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। मांबे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि दिन चढ़ने के साथ साथ वित्तीय तौर पर आपके जीवन में सुधार आता दिखाई दे रहा है। निजी मामलों में विशेष तौर पर नियंत्रण रखते हुए काम करने का प्रयास करें। मांबे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करने के लिए विशेष तौर पर अच्छा दिखाई देता है, परंतु शब्दों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, कहीं कोई अपशब्द मुख से ना निकल जाए, परेशानी बढ़ सकती है। घर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, पॉजिटिविटी आपके घर में बढ़ेगी। मांबे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, आर्थिक तौर पर सुधार आता दिखाई दे रहा है, योग बन रहा है। आज आपकी छवि आपको अच्छा परिणाम दे सकती है, यानी पर्सनैलिटी जो है आपको लाभ दिखाई दे रही है। माँ दुर्गा का पूजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपका पैसा बनता दिखाई दे रहा है, यानी धन आने के योग बन सकते हैं। आज नया काम करने के विशेष तौर पे आप नया काम को जानने का प्रयास कर सकते हैं। परेशानी आने के योग दिखाई देते हैं। घर में किसी आगंतुक के आने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में रेशमी वस्त्र का दान करें, कष्ट दूर होंगे। मांबे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं, दान पुण्य का समय आपके लिए मानसिक शांति की ओर सुकून देने वाला रहेगा। अकस्मातिक मुनाफे के जरिए आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। आज अपने कुछ लोग जो है विशेष तौर पे आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। गणपति को दूर्वा अर्पित करें, कल्याण का योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं, आज किसी ज्ञानी से मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कारोबारी जीवन के लिए कुछ अलग करने का दिन दिखाई देता है। आज दीर्घकालीन निवेश के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। मंदिर में किसी छायादार पेड़ को रोपित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। मांबे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का निवेश विशेष तौर पर फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। आज समय और अपनी ऊर्जा जो है विशेष तौर पर दूसरों की मदद में लगाने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसे मामलों से बचें जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें अर्घ दें, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज ग्रह योग दिखाते हैं कि अपने तयशुदा बजट से दूर ना जाएं, खर्च ना बढ़ाएं। आज अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में थोड़ी कठिनाई होती दिखाई दे रही है, सोच समझ कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। आपके लिए महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना कल्याणकारी रहेगा। आपके लिए दिन शुभ हो, माँ भगवती आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएं।